जी दोस्तों, तो लेटर हमारा तैयार हो गया जी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रेड जो है ना, 4 mm का फ्रंट शीशा लग गया, एक्रेलिक लग गया, ठीक है। और साइड दीवार जो है वो 4 inch का दीवार हमने लगा दी है। और इसकी असल नंबर को हम दोस्तों यूट्यूब चैनल के साथ में हमने उसे और आप देख रहे हैं साइड इंच जी दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एच लेटर की मोल्डिंग। एच लेटर की मोल्डिंग कैसे होती है कि हम आपको बता देते हैं। इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमें चाहिए होगा एक्रेलिक पट्टी, ठीक है। और दूसरी हमें चाहिए है एक्रेलिक बेंडर। और तीसरी चीज़ है हमारे पास जो हमें ज़रूरत होगी वो है हीट गन। हीट गन की ज़रूरत होगी। फिर है एल्फी जेम्सा का। और एक हमें इस तरह का आप खुद बना सकते हैं, मैंने भी खुद बनाया हुआ है। ये है हमारे पास एंगल, ठीक है, जिसमें हम पट्टी को लगाते हैं और पट्टी जो है ना वो गिरती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारे पास आ गया एच लेटर, ठीक है। और ये हमारे पास है 4 इंची की पट्टी, 4 इंच और 4 mm। हम शुरू करते हैं बस इधर से। इसको ये वाली एंगल जो मैं आपको बता रहा था, इस तरह का एंगल आपने बनाना है। इसमें ये होगा कि पट्टी आपकी गिरेगी नहीं और पट्टी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट सीधी खड़ी हो जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये हमारे पास आ गया जिम्सा एल्फी। जिम्सा एल्फी के साथ इसको आप शुरू कर देते हैं। अब हम इसको इस तरीके से बैंड करेंगे एक्रेलिक बैंडर के साथ, ये आप देख सकते हैं। ये हीट हो गए,
कि बिल्कुल राउंड शेप का ये बन गया है। अब इसको हम एक्रेलिक बैंडर से बैंड करेंगे। एक कॉर्नर जो है ये एक्रेलिक बैंडर जो है इसके साथ हम इसको बैंड करेंगे। आपने इसको बैंड कर देना। जी दोस्तों, तो अभी हमने इसको इधर से बैंड दे देना है हीट गन के साथ। बिल्कुल आराम से जो बैंड हो जाएगा गर्म होते उसको सही तरीके से आपने गर्म करना, बिल्कुल नरम हो जाए एक्रेलिक शीशा जो। इसको आपने दोनों साइडों से गर्म करना जैसा मैंने पहले बताया। अच्छा दोस्तों, कुछ लोग जो हैं वो गैस सिलेंडर के साथ बर्नर लगा के उसके साथ भी इसको गर्म करते हैं, लेकिन उससे ये जो इलेक्ट्रिक का हीट गन जो होता है उसके साथ अगर आप बैंड करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये ज़रा ये है कि इसमें हीट गन के साथ उसको बैंड करना जो है वो ज़रा टाइम लेगा। गैस बर्नर के साथ ये है कि वो जल्दी पट्टी को नरम कर देता है, उसका हीट कुछ ज़्यादा होता है इस वजह से वो जल्दी नरम हो जाता है। हीट गन ज़रा सा टाइम लेता है, सिर्फ इतना सा फ़र्क है पैदारी जो है वो हीट गन के साथ है। हीट गन जो है ये शीशी का चमक जो है वो ख़त्म नहीं करता, ख़राब नहीं करता, उसको बरकरार रखता है। जो भी आप देख सकते हैं पट्टी बिल्कुल नरम हो गई। जो भी बंदा अगर शौकीन है, शौक रखता है, जिस बंदे को अगर कोई शौक है इस लेटर को तैयार करने में, तो वो इस वीडियो को फुल वॉच करे। मेरी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं बिल्कुल राउंड हो गए, बिल्कुल ये गोल हो गए। मैं आप देख सकते हैं बिल्कुल जी दोस्तों, तो वो पीस हम इस तरीके से इसको काट लेते हैं, एक्स्ट्रा जो बचे हुआ पीस है। दोस्तों ये लेटर हमारा तैयार हो गया, इसका पूरा लॉक मैं आपको बता देता हूँ। जी दोस्तों, तो हमारा लेटर तैयार है जिसके अभी हमने मॉल्डिंग की राइजिंग, तो ये लेटर एच लेटर आप देख सकते हैं, ये इसका लुक आ गया। इसका जो फ्रंट शीशा है ये लगा हुआ है 4 mm का एक्रेलिक का, और दीवार जो इसका ब्लैक लगा हुआ है ये भी 4 mm का लगा हुआ है, और इसकी जो थिकनेस है ये जो चौड़ाई है सॉरी थिकनेस बता रहा हूँ थिकनेस इसकी 4 mm है, और ये जो चौड़ाई है इसकी ये है 4 inch। तो लेटर को हमने 4 inch चौड़ा रखा है,
तो उसकी वजह ये है कि जब लेटर आपका ये जो दीवार है ये जितना चौड़ा होगा उतना इसमें ब्राइटनेस जो है वो अच्छी आएगी, बेहतरीन इसकी ब्राइटनेस आएगी, सामने पे कोई किसी किस्म का वो नहीं आएगा, स्पॉट नहीं आएगा। तो अगला जो हमारा काम होगा वो इसकी बैक साइड में कवर हम बनाएंगे, ठीक है, बैक कवर बनाकर पीवीसी शीट का जो आ जाता है फॉर्म बोर्ड जिसे कहते हैं उसका इसका बैक कवर बनाएंगे, उसके ऊपर लाइटिंग करके, क्योंकि हमारा कंप्लीट एक लेटर तैयार हो जाएगा। और जो लाइट हम इस पर लगाएंगे वो 12 वोल्ट का होगा, सैमसंग की 12 वोल्ट एलईडी मॉड्यूल हम इसमें डालेंगे, तो वो हमारा होगा अगला प्रोजेक्ट। आज के वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।